अस्सलाम वालेकुम एसएम न्यूज़ के साथ मैं हूं मुकद्दर रज़ा। एसएम न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। खबरों का सिलसिला बढ़ाते हुए हबशान करते हैं वहाड़ी से। डिप्टी कमिश्नर वहाड़ी मुबीन इलाही की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर वहाड़ी मोहम्मद जाफर चौधरी सरकारी इमलाक के तहफ़ के लिए मुतहरिक। सरकारी ज़मीनों पर नजायज़ काबजीन के खिलाफ एंटी करोचमेंट ऑपरेशन ज़ोरों शोर से जारी। अरबों रुपये की सरकारी ज़मीन व गुजार करवाई गई। मजीद सूरत हाल से आगाह करते हैं हमारे नुमाइंदे इरशाद अहमद। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर वहाड़ी मोहम्मद जाफर चौधरी की सरबराही में एंटी एनक्रोचमेंट टीम ने तमाम नजायज़ तामीरात गिराकर सरकारी रकबा का कंट्रोल हासिल कर लिया। रकबा रेवन्यू हकाम के हवाले पुलिस की भारी नफरी बी एसी वहाड़ी के हमराह है। इस मौका पर एसी वहाड़ी मोहम्मद जाफर चौधरी का कहना है कि सरकारी ज़मीनों का तहफ़ हमारा फ़र्ज है। पंजाब हुकूमत के वजा हकमात की रोशनी और डिप्टी कमिश्नर वहाड़ी मुबीन इलाही की ज़ेर निगरानी वहाड़ी इंतज़ामिया नजायज़ कब्जाइन के ख़िलाफ़ हम वक्त मसरूफ़ अमल है। किसी को भी सरकारी रकबा पर कब्ज़ा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सरकारी रकबा की मरहला वार ओपन नीलामी का अमल भी जारी है। सरकारी रकबा का इंच इंच नजायज़ कब्जाइन से वगजार करवाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया इरशाद अहमद तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए एसएम न्यूज़।